किसी भी डाई से या किसी भी बाहर के उत्पाद से अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो बाल काले नहीं हो सकते हैं, कि जितने भी अमोनिया वाले उत्पाद हैं, जितने भी केमिकल वाले जो डाई मार्केट में अवेलेबल है जो बहुत तुरंत बाल को काला कर देती है, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। है कि जो लोग बहुत कम उम्र से ही आपकी डाई या कोई बाल काला करने के जो मार्केट के उत्पाद हैं वो प्रयोग करने लग जाते हैं तो उनके बाल भी बहुत जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं। मैंने अपने कम से कम अपने क्लिनिकल अनुभव में देखा है कि बहुत सारे लोगों के बाल सफेद से काले होने लग जाते हैं। कितना सच है कितना झूठ है कि नमक जब बालों में लगता है तो बाल सफेद हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। अगर आप लोग भी अपने व्हाइट हेयर्स यानी सफेद बालों की वजह से परेशान हैं, कई प्रोडक्ट्स अपना लिए, कई नुस्खे अपना लिए, लेकिन आपके सफेद बाल काले नहीं हो रहे हैं, तो दी हेल्थ शो में आज हम डॉक्टर महेंद्र राणा जी से जानेंगे कि कैसे आप अपने व्हाइट हेयर्स या ग्रे हेयर्स को रिवर्स करके उन्हें ब्लैक कर सकते हैं नेचुरली बिना किसी केमिकल के। सर, आपको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत छोटी छोटी एज के लोग आजकल व्हाइट हेयर्स की वजह से परेशान हैं, और पहले हम देखते थे कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, जबकि हमारे दादा दादी की बात करें तो उनके तो 70-80 साल में भी बाल सफ़ेद नहीं होते थे, लेकिन आज तो स्कूल जाने वाले बच्चों के भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो सबसे पहले रीज़न बताइए कि क्यों लोगों के बाल कम उम्र में ही सफ़ेद होने लगे हैं। जी, जैसा कि आपको आपने अभी कहा कि बहुत कम उम्र में ही जो है लोगों के बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, और आश्चर्यजनक स्थिति जरूर है, क्योंकि बालों का सफ़ेद होना एक नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया है कि धीरे धीरे हमारे बालों का कलर चेंज होने लगता है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि बालों का कलर व्हाइट होता क्यों है। देखिए, हमारे जो स्किन है उसमें एक पिगमेंट रहता है जिसको हम लोग मेलेनिन कहते हैं। ये मेलेनोसाइट सेल से बनता है। ये मेलेनिन हमारे शरीर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेलेनिन भी दो प्रकार के होते हैं, यू मेलेनिन और फ्लियो मेलेनिन। जब ये दोनों मेलेनिन जो हैं एक साथ काम करते हैं तो हमारे बालों का कलर काला होता है। अगर कोई एक पिगमेंट इसका एक प्रकार जो है कमजोर पड़ जाता है या अपना फंक्शन छोड़ देता है तो हमारे बालों के कलर चेंज होने लग जाता है। कई जगह कई देशों के लोगों में ये यू मेलेनिन नहीं पाया जाता है तो उनके बाल स्वाभाविक रूप से ही सफ़ेद रहते हैं, जैसे आपने फॉरेन की कई कंट्री में देखा होगा। अब बात आती है कि ये मेलेनिन डिस्ट्रॉय क्यों होता है या मेलेनोसाइट डिस्ट्रॉय क्यों होती हैं जिस वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण हमारे रिसर्चेज में पता चला है, जितनी भी इसमें शोध हुई है, कि जो मेलेनिन के प्रोडक्ट सेल हैं मेलेनोसाइट, इनको अगर किसी बीमारी की वजह से, जैसे बहुत लंबे समय तक हमको थायराइड है या वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई आपकी बीमारी है, इसके साथ साथ में प्रेगनेंसी में भी कई बार और अन्य हार्मोनल जो डिस्टरबेंस हैं उनकी वजह से मेलेनोसाइट का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा मेलेनिन बनना कम हो जाता है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे बालों का रंग अननेचुरली वो चेंज होने लग जाता है और खास करके सफ़ेद होने लग जाता है। इसके अलावा और जो कारण है उसमें कई विटामिन ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी पोषक तत्व हैं, खास करके विटामिन डी और विटामिन B12। अगर शरीर में लंबे समय तक विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी रहती है तो उससे भी हमारे मेलेनोसाइट्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग कमज़ोर हो जाती है और हमारे सर के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। एक और बड़ा कारण जो इसमें पाया गया है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि जब हम लोग बहुत आपाधापी भरी जिंदगी में और बहुत हेक्टिक शेड्यूल में जीते हैं तो कई बार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से हमारे मेलेनोसाइट डिस्टर्ब होने लग जाते हैं और हमारे बाल बहुत तेजी से सफ़ेद होने लग जाते हैं, कम उम्र में भी सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो इन सब मल्टीफैक्टोरियल कारण की वजह से, क्योंकि हर व्यक्ति में सफ़ेद बाल होने के, कम उम्र में सफ़ेद बाल होने के अलग अलग कारण हैं, तो अगर हम लोग इस पर पूरा एक विचार करें तो हम एक कारण नहीं कह सकते हैं कि इस वजह से सफ़ेद बाल हो रहे हैं, और शायद यही कारण है कि जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं और उसके मूल कारण तक नहीं जाते हैं, उसकी मूल वजह तक नहीं जाते हैं कि किस वजह से ये कम हुआ है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको हम लोग कॉपर कहते हैं।
कॉपर कलर बनाने में कैटलिस्ट का काम करता है कि जब मिलेनोसाइट्स मिलेनिन बना रही होती है तो उस समय शरीर में कॉपर की जितनी मात्रा की आवश्यकता है वो होनी चाहिए। अगर कॉपर की मात्रा कम है तो भी जो है मिलेनोसाइट मिलेनिन नहीं बना पाएंगी और उस वजह से भी हमारे बालों का कलर सफ़ेद होने लग जाएगा। तो ये जो कई सारे कारण हैं इनमें से हमें हर व्यक्ति में ये देखना होगा एवरी इंडिविजुअल में कि उसके पीछे उसके सफेद बाल होने के पीछे कौन सा कारण प्रभावी है, किस वजह से वो बाल सफेद हो रहे हैं। अगर हमने वो कारण पकड़ लिया तब तो हम लोग उसको उसके सफेद बालों के को रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर उस कारण के बिना हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं या व्यक्ति अपने आप को घरेलू नुस्खा अपनाता है तो जो बाल सफेद हो रहे हैं वो होते जाएंगे और साथ में उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर इंसान अपने आप से डॉक्टर बनेगा तो उसके सफेद बाल और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, पूरे बाल सफेद हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसके अलग अलग कारण हैं और वो कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। आपका स्ट्रेस की वजह से सफेद हो रहा है या किसी विटामिन की कमी से सफेद हो रहा है, किसी हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से सफेद हो रहा है, या आपकी जो हेक्टिक शेड्यूल और स्ट्रेस है उसकी वजह से आपके बाल सफेद हो रहे हैं। ये वजह जब तक नहीं पता चलेगी तब तक आपके बाल सफेद से काले नहीं हो सकते हैं, और इसीलिए जो है जो आपने कहा कि किसी चिकित्सक की सलाह लेना बहुत आवश्यक है। और यही मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके बाल असामान्य रूप से कम उम्र में ही सफेद होते जा रहे हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से किसी अपने नजदीकी अच्छे चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। सर, कई लोग बालों को काला करने के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं और मेहंदी भी लगाते हैं जी, तो क्या बाहरी रूप से ये मेहंदी केमिकल्स या डाई लगाना बालों को परमानेंटली काला कर सकता है या नुकसान पहुंचाएगा फिर? जी नहीं, देखिए परमानेंटली तो किसी भी डाई से या किसी भी बाहर के उत्पाद से अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो बाल काले नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बाल सफ़ेद होने के पीछे जो कारण है वो मिलेनिन का डिस्ट्रक्शन है, और जब तक वो मिलेनिन का डिस्ट्रक्शन ठीक नहीं होगा तब तक आपके सफ़ेद बाल काले नहीं हो सकते हैं। अब इसमें ऑप्शंस आते हैं कि अगर हम टेम्प्ररी अपने बाल काले करना चाहें तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी अमोनिया वाले उत्पाद हैं, जितने भी केमिकल वाले जो डाई मार्केट में अवेलेबल है जो बहुत तुरंत बाल को काला कर देती है, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि जैसे जैसे हम उनका प्रयोग करते जाएंगे तो उसके साथ जैसे ही उसका असर खत्म होगा, उस डाई का असर, उस कलर का असर खत्म होगा, तो वो न केवल जो बाल आपके सफेद थे उनको हटाएगा बल्कि केमिकल की वजह से आपके अन्य बालों का कलर भी वो डैमेज हो सकता है। तो ये तो बहुत घातक है। अब रही बात जैसे मेहंदी आपने कहा, इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं घरेलू जो प्राकृतिक हैं, तो उनका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके प्रयोग से परमानेंट तो नहीं लेकिन कुछ समय के लिए जो है आपके बालों में एक डाइंग का वो काम करते हैं, तो उसमें आपके बालों का कलर चेंज हो सकता है या डार्क हो सकता है। सर, नुस्खे जानने से पहले मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ठीक है कोई भी डाई कोई भी केमिकल हमारे बालों को परमानेंटली काला नहीं कर सकता है, टेम्परेरी करेगा लेकिन ज़्यादा यूज करेंगे तो परमानेंटली वाइट भी कर देगा, लेकिन यही केमिकल वाले प्रोडक्ट जो बालों को काला करने की गारंटी देते हैं, क्या ये हेयर फॉल का कारण बन सकते हैं फिर? डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं सब में ज्यादातर में अमोनिया है, और इसके अलावा भी अन्य कई हार्मफुल एनिमल है जो आपके बालों में कुछ समय के लिए कलर तो काला कर देते हैं लेकिन जब वो निकलते हैं तो साथ ही साथ में आपके बालों का जो महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है केराटिन, उसको भी डैमेज कर देते हैं, और केराटिन के डैमेज होने से आपके बाल पतले भी हो जाते हैं और साथ ही साथ में कोई एलर्जी भी हो सकती है उस केमिकल से, और आपके हेयर फॉलिकल्स में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो ये देखा गया है कि जो लोग बहुत कम उम्र से ही आपकी डाई या कोई बाल काला करने के जो मार्केट के उत्पाद हैं वो प्रयोग करने लग जाते हैं तो उनके बाल भी बहुत जल्दी गिरने शुरू हो जाते हैं। जी सर, कई लोग क्या करते हैं अपने व्हाइट बाल्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या व्हाइट बाल्स को तोड़ना सही रहता है क्या? देखिए, ये बिल्कुल प्रायोगिक रूप से देखा गया है कि किसी के जब व्हाइट बाल होते हैं तो वो उसको तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपके 5-10 बाल स्कैल्प में व्हाइट हैं तो वो बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, और उनको तोड़ने से उसका कोई समाधान भी नहीं निकलना है। तो मेरे हिसाब से तो बाल तोड़ना कोई समझदारी नहीं है। साथ में इसमें एक नुकसान और हो सकता है कि आपके जिस हेयर फॉलिकल से आप बाल तोड़ रहे हैं अगर वहां के बगल वाला बाल आपका काला भी है और आपने उसको खींच करके प्लग करके उस बाल को निकाला तो बगल वाला फॉलिकल भी डैमेज हो सकता है, उसका मिलेनिन भी डैमेज हो सकता है, और एक सफेद बाल तोड़ने के चक्कर में आप 4 नए बाल सफेद और उगा सकते हैं। जी सर, अब इसमें क्या किया जाए फिर?
आयुर्वेदिक नुस्खे जो आपने बताए थे, तो फिर केमिकल यूज नहीं करना है काला करने के लिए, क्योंकि रीजन हमारा इंटरनल होता है प्रोटीन्स की, न्यूट्रिशन की कमी। तो फिर आयुर्वेद में ऐसे कौन से नुस्खे हैं, कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो नेचुरली यूज करके हम कोशिश कर सकते हैं अपने बालों को ब्लैक करने की? जी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सफेद बाल के बहुत अलग अलग कारण हैं, तो सबसे पहले तो अगर असामान्य रूप से और 30 से कम उम्र में ही आपके काफी बाल सफेद हो रहे हैं, तो पहला काम तो आपको अपने चिकित्सक के पास जाना चाहिए, जिससे ये डायग्नोस हो सके कि आपके सफेद बालों के पीछे कारण क्या है। कम उम्र में कई बार हेरिडिटिकली भी देखा गया है कि वंश परंपरा में ही बहुत सारे लोगों के, उनके फादर फोर फादर्स के बाल कम उम्र में ही सफेद हो जाते हैं, तो उन जितने भी जो जेनेटिक या हेरिडिटिकल बाल सफेद वाले पैटर्न के लोग हैं, उनके बाल तो परमानेंटली कभी भी काले नहीं हो सकते हैं। उनको तो अब किसी न किसी रूप में, कॉस्मेटिक रूप में ही ये करना पड़ेगा प्राकृतिक रूप से कि उनके बाल काले दिखें। लेकिन अन्य लोग जिनका हेरिडिटरी पैटर्न, जिनका वंश परंपरागत पैटर्न सफेद बालों का नहीं है, वो लोग जो हैं, जब उनके डॉक्टर उनके रीजन जानेंगे कि किस वजह से बाल सफेद हुए हैं, तो पहले कोशिश करेंगे कि हम मेडिसिन दे करके उस कमी को पूरा करें और उस एबनॉर्मलिटी को पूरा करें, और जैसे ही वो एबनॉर्मलिटी पूरी होगी, आपके वो सफेद बाल जब हेयर रिग्रोथ साइकिल में निकल जाएंगे, तो उनकी जगह जो नए बाल आएंगे वो आपके काले आएंगे। दूसरी चीज जो है, आपने कहा कि अब अगर हमारे बाल नहीं ही सफेद होने हैं, हालांकि इस समय बहुत सारी शोध हुई है और कुछ ऐसी दवाइयां भी नई भी आई हैं और प्राचीन काल में आयुर्वेद में भी वर्णित है कि जिनका सेवन करने से हम लोगों के बाल काले हो सकते हैं। इसमें मेन है कैल्शियम पेंटोथिनेट, इसके अलावा पाबा करके मॉडर्न साइंस में एक नया दवाई आई, नई दवाई आई है, उसका प्रयोग भी डॉक्टर कई बार करते हैं और उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। साथ ही साथ में आयुर्वेद में शुद्ध ताम्र भस्म का प्रयोग बताया गया है, भृंगराज का प्रयोग बताया गया है, आंवले का प्रयोग बताया गया है, इनका प्रयोग करके भी, और एक रंजक की आदि वटी आती है उसका उपयोग करने के बाद भी, मैंने अपने कम से कम अपने क्लिनिकल अनुभव में देखा है कि बहुत सारे लोगों के बाल सफेद से काले होने लग जाते हैं। लेकिन अगर सारे उपायों के बाद भी आपके बाल सफेद से काले नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम उनको बाहर से कैसे काले दिखें इसका प्रयास करें। तो आयुर्वेद में इसके लिए जो मैं अपने क्लिनिक में प्रयोग करता हूं और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैं एक आपको ऐसा उपाय बताता हूं, उसमें हमको लोहे की कढ़ाई में आपने बालों के हिसाब से मेहंदी भिगानी है, उस मेहंदी को हमें चाय पत्ती को बॉइल करके और उसको बिल्कुल चाय पत्ती के पानी को उस मेहंदी में रखना है। साथ ही साथ में उस मेहंदी में कुछ कूटे हुए आंवले रख सकते हैं, उसके अलावा रतनजोत का प्रयोग कर सकते हैं, बालछड़ का प्रयोग कर सकते हैं, मंजिष्ठा का प्रयोग कर सकते हैं। इनको भिगा करके आप ओवरनाइट रखिए और अगले दिन लगभग 45 मिनट से एक घंटे तक उसको सर पे, जैसे हम मेहंदी लगाते हैं उस प्रकार से अगर हम लगाएंगे, उसके बाद आप उनको धो दीजिए 45 मिनट एक घंटे के बाद, तो आपके बाल काफी समय तक जो है वो डार्क ब्राउन, डार्क रेड या फिर जो है ब्लैक की तरफ आ जाएंगे, और ये बिल्कुल हार्मफुल, ये हार्मलेस फॉर्मूला है और इससे बहुत अच्छा जो है आपके बालों में जो व्हाइट बाल हैं वो काफी हद तक जो है वो काले दिखने लग जाते हैं। सर, अब इन सभी चीजों को दर्शकों के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जी, क्या खाएं और कैसे खाएं जो हमारे बालों को नेचुरली व्हाइट से ब्लैक करने में मदद करें? जी देखिए, जो बाल व्हाइट हो गए हैं, मैंने बार बार यही कह रहा हूं अपने दर्शकों को भी कि उसके पीछे तो कारण ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसमें सबसे बढ़िया चीज है कि अगर हमारे बाल काले हैं या काले होने सफेद होने की शुरुआत हो रही है, तो हमें एज अ प्रिवेंशन क्या खाना चाहिए? तो इसमें सबसे जो अच्छी चीजें हैं उसमें है विटामिन सी, इसका प्रयोग हमें प्रचुर मात्रा में करना चाहिए, और विटामिन सी आपको मिलता है आंवला से, जो कि एक सिद्ध प्राचीन औषधि है बालों के लिए। इसके अलावा भृंगराज का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, भृंगराज का तेल आप सर पे भी लगा सकते हैं सप्ताह में दो बार, और साथ ही साथ में भृंगराज चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। आप बादाम का प्रयोग, 2 से 4 बादाम रात भर भिगा के सुबह खाली पेट अगर लेंगे, तो उससे आपको काफ़ी हद तक जो है कॉपर की कमी भी दूर होगी, और बादाम में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो मैंने आपको एक कारण बताया था कि जिस वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, उस हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी बैलेंस करने में मदद करता है। खाने में ही मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि B12 एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो B12 रिच सोर्स जो है, खास करके जो हमारे जो नॉन वेज लेते हैं
उन लोगों को फिश का प्रयोग, एग का प्रयोग करना चाहिए, और जो वेजिटेरियन है, जो नॉनवेज नहीं यूज करते हैं, उनको हम मशरूम का प्रयोग करवा सकते हैं, स्प्राउट का प्रयोग करवा सकते हैं, क्योंकि अंकुरित अनाज और मशरूम में भी पर्याप्त मात्रा में B12 रहता है, तो इसका सेवन करने से भी हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने बालों को सफेद होने से रोकने के लिए। जी सर, कई लोग दावा करते हैं कि रिवर्स हो जाते हैं, व्हाइट हेयर्स ब्लैक हो जाते हैं, कई लोग मना करते हैं, तो क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हम रिवर्स कर सकते हैं व्हाइट हेयर्स को ब्लैक हेयर्स में? देखिए, अभी तक जितनी भी शोध हुई है और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो बाल एक बार सफेद हो गया है वो काला नहीं हो सकता है, उसका क्योंकि उसका मेलेनिन ही टूट गया है। लेकिन बालों का उगना और बालों का निकलना ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जो लगभग 3 से 4 महीने में एक हेयर साइकिल होती है। तो आपका जो बाल सफेद हो गया है वो तो काला नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह पे जो नया आएगा वो अब दोबारा सफेद ही आएगा या वो काला आएगा, वो डिपेंड करता है कि अगर आप उसकी जड़ को जान रहे हैं, उस सफेद बाल के होने के कारण को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर तो वो 2-3 जनरेशन के बाद ब्लैक हो सकता है। लेकिन अगर वो जेनेटिकली आपका मेलेनिन डिस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर परमानेंटली मेलेनिन डिस्ट्रक्शन हो गया है, तो कभी भी आपके बाल जो हैं वो परमानेंटली क्योर नहीं हो सकते जो व्हाइट बाल हैं। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए इसमें, कि एक, कि अगर बाल व्हाइट होने लग गए हैं तो जो भी प्रिवेंशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कुछ विटामिन का उपयोग कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, अगर कोई अनट्रीटेड मेडिकल कंडीशन है तो उसको डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो आपके आगे के बाल सफेद नहीं होंगे। तो आप जो तेजी से सफेद बाल होने लग जाते हैं उसको तो हम रोक सकते हैं, लेकिन जो बाल एक बार सफेद हो गया वो जब तक निकलेगा नहीं वो काला हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये चीज बिल्कुल लोगों को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि किसी भी दवा से हमारा सफेद बाल काला हो सकता है, उसको कुछ समय के लिए कलर किया जा सकता है, उसको रंजक किया जा सकता है, लेकिन वो परमानेंटली काला नहीं हो सकता। जी ये बात तो बहुत सही कही। तो मतलब इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी लोग ये बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस लाइन में इस समय बहुत ज्यादा जो है मिसक्लेम्ड हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां तक कि प्राचीन चिकित्सा विज्ञान जो हमारा आयुर्वेद है उसमें तक कहा गया है कि असाध्य रोग हैं, इनका 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 इलाज नहीं हो सकता है, इनको हम याप्य बना सकते हैं औषधियों के द्वारा, यानी कि जब तक हम इसको मेंटेन रख सकते हैं औषधियों से या बाह्य प्रयोग से, तब तक जो है ये आपको थोड़ा सा ठीक रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप औषधियों का प्रयोग छोड़ेंगे वो रोग पुनः आ जाएगा। उन्हीं रोगों में से एक जो है ये पालित्य रोग भी है, इसको हम आयुर्वेद में पालित्य रोग कहते हैं, इसको मॉडर्न साइंस ग्रेइंग ऑफ हेयर कहती है। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा। हम बचपन से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं कि जब हम कोई खाना खाते हैं वो नमकीन चीज होती है तो नमक लगे हाथों को सिर पे पोंछने से बाल सफेद होते हैं, कितना सच है कितना झूठ है कि नमक जब बालों में लगता है तो बाल सफेद हो जाते हैं? देखिए, केवल नमक लगने से बाल सफेद नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने बालों में तेल लगा रखा है और तेल और नमक अगर बालों में एक साथ लग जाए तो फिर उसमें जो रिएक्शंस होती है उसमें हमारा केराटिन जो है वो डैमेज होने लग जाता है, और कई बार वो तेल नमक का जो इमल्शन बनता है वो हेयर फॉलिकल में जाकर के मेलानिन को डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो ये बात एक हद तक सही है कि अगर आपके बालों में तेल लगा है या नमक के साथ आपके हाथों में तेल भी है और वो अगर सर पे लगता है तो तब कुछ चांसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर अकेले नमक से या अकेले तेल से आपके बाल सफेद नहीं होते। ये बात भी सही है, क्योंकि अगर केवल नमक से बाल सफेद होने लगते हैं तो नमक की फैक्ट्री में जितने लोग हैं उनके बाल सफेद ही होते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफी कुछ जाना होगा कि व्हाइट हेयर्स को ब्लैक कैसे कर सकते हैं, व्हाइट हेयर्स का कारण क्या है, और ये रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, और बालों की केयर कैसे करें अगर आपके बाल व्हाइट हो रहे हैं तो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनका कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। हम कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोज के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको देने का, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।